हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बाय। इन्फिनिक्स बहुत जल्द केनिया में एक न्यू स्मार्टफोन इन्फिनिक्स जीरो एट लॉन्च करने वाला है और ये स्मार्टफोन केनिया के बाद इंडिया में भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फिनिक्स जीरो एट का फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूँ और इसके साथ इसके फुल स्पेक्स, प्राइस और ये स्मार्टफोन इंडिया में कब तक लॉन्च होगा ये भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसके बैक साइड के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलेगा और इसके साथ ही इसके रियर साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। गाइस, अगर इसके फ्रंट साइड की बात करें तो इसमें आपको 6.8 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है और इसके साथ ही इसमें आपको डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको साइड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसमें आपको एक पतली सी बेजल देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको बिग डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G90T प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर आपको रियलमी 6 सीरीज और रेडमी नोट 8 प्रो में भी देखने को मिला था। तो गाइस, ये प्रोसेसर तो काफ़ी अच्छा होने वाला है, आप इससे गेमिंग भी बहुत अच्छी खासी कर सकते हैं और इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिलने वाला है। गाइस, अगर इसके रैम ब्रांड की बात करें तो इसमें आपको 3 ब्रांड देखने को मिलेगा जिसका बेस ब्रांड 6GB प्लस 64GB, सेकेंड ब्रांड 6GB प्लस 128GB, थर्ड ब्रांड 8GB प्लस 128GB देखने को मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले में भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इसके कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो इसके रियर साइड में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा जिसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है और इसके साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिलेगा। गाइस, अगर इसके फ्रंट साइड की बात करें तो इसमें आपको डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है और इसके साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस होने वाला है। इसमें आपको सभी कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जैसे नाइट मोड, स्लोमो और 4K वीडियो जैसा सभी फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो इस स्मार्टफोन का कैमरा तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो गाइस, चलिए हम लोग इसके बैटरी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 33W फास्ट चार्जर के साथ आने वाली है जिससे कि आप अपने बैटरी को बहुत ही आसानी से चार्ज कर पाएंगे और इसके साथ इसमें आपको टैप सपोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके बॉक्स में ही ईयरफोन देखने को मिलेगा। तो गाइस, इसका स्पेक्स तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इन्फिनिक्स वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो इस स्मार्टफोन का प्राइस 14 से 15 हज़ार रुपये होने वाला है। गाइस, अगर इसके लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन केनिया में सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है और ये स्मार्टफोन इंडिया में सितंबर के मिड में देखने को मिलेगा। तो गाइस, आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मुझे तो ये स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन लगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।